Honorable Minister for Law, please. Thank you, Mr. Speaker. I intend to move the Khyber Pakhtunkhwa Mines and Mineral Third Amendment Bill 2024 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Mines and Minerals Third Amendment Bill 2024 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. Clause 1 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Clause 1 of the bill, therefore question before the House is that Clause 1 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. Clause 1 stands part of the bill. Amendment in Clause 2 of the bill. Ms. Sobia Shahid and Mr. Ahmed Kundi, MPS, to please move their amendment in Clause 2 of the bill. Ms. Sobia Shahid, MPA, please. Thank you, Janab Speaker, sir. I move that and the Clause 2 and the proposed Section 3 and the subsection 2 after the existing paragraph ID, the following new paragraph IE and IF may be inserted, namely, IE, Leader of the Opposition or any opposition member of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly nominated by him. IF, President of the Mines Owner Association or any member nominated by him. Janab Speaker Sahib, ye pehle bhi jo the isme hamari assembly ke saath ek member isme hota tha aur jaise ki Janab Speaker Sahib ye एसोसिएशन वाले भी जो है ऑनर माइंस के जो ऑनर एसोसिएशन है मतलब जो भी कोई बात हो कोई चीज़ हो तो उसमें उस एसोसिएशन के लोग होने चाहिए क्योंकि उनकी अवेयरनेस होती है उनको पता होता है कि किस चीज़ का इसका नुकसान है कहाँ मुनाफा है कोई क्या है तो इसमें ज़रूर इनका एक मेंबर इस एक्ट में होना चाहिए ताकि एसोसिएशन की तरफ से माइंस एसोसिएशन की तरफ से भी एक बंदा इस कमेटी में हो ये बहुत ज़रूरी है जनाब स्पीकर साहब तो इस अमेंडमेंट को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लिया जाए क्योंकि इसके बगैर अगर कमेटी में अगर असम्बली के लोग हो और ऑफिसर्स हो लेकिन एसोसिएशन के लोग ना हो जो फील्ड पे काम करते हो जिसको पता होता है कि ये माइंस किस तरह चलाना है इसमें किस तरह ब्लास्टिंग करनी है इसमें क्या क्या मुनाफा है क्या क्या नुकसानात है तो किस तरह मतलब एक एक्ट बनाया जाएगा या एक कोई काम किस तरह हुए कमेटी किस तरह वो चलाएगी जिस तरह उसमें एसोसिएशन के लोग ना हो मिस्टर अहमद कुंडी MPA प्लीज Thank you, Speaker Sahab. I beg to move that in Clause 2 in the proposed Section 3, in subsection 2 after the existing paragraph 1D, the following new paragraph 1E and 1F may be inserted, namely, 1E, Leader of the Opposition or any member, opposition member of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly nominated by him. 1F, President of the Mines Owner Association or any member nominated by him. जनाब स्पीकर इस पे सोबिया बीबी ने भी काफ़ी तफसीली बात की है ये पहले 2019 में बहुत लंबी एक इनकी जो एक कंपोजिशन थी उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी थे जियोलॉजिस्ट भी थे इवन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी इस काउंसिल में शामिल थे देखिए मैं ये कहता हूँ आप तमाम सेक्रेटरीज डालते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं आप सेक्रेटरी डालें ऑलरेडी हुकूमत की इस काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी भी है लेकिन मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर इंसान की तरक्की का राज क्रिटिकल एनालिसिस में अगर आप कोई अपनी ऐसी बॉडी नहीं डालेंगे जो आपको इनपुट दे अब माइंस और मिनरल्स के जो लोग हैं वो सारा दिन ये काम करते हैं अरबों रुपए का बिजनेस हमारे सूबे में आ रहा है तो अगर माइंस और मिनरल्स के लोग नहीं होंगे तो ये कैसे उनका इनपुट इसमें आएगा और दूसरी बात ये पहले लीडर ऑफ अपोजिशन था अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन से खौफजदा हैं तो किसी भी मेम्बर को जो कि आप मुनासिब समझते हैं ताकि हम चाहते हैं इसमें क्रिटिकल एनालिसिस आए इस बॉडी में और अक्सरियत ऑलरेडी आपके पास है आप फैसले कर सकते हैं उसमें भी आप पे कोई कदर नहीं है कम से कम एक अच्छा इनपुट आएगा और एक क्वालिटी कानून साजी होगी शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ
शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो कि प्रपोज अमेंडमेंट इन क्लॉज टू सेक्शन थ्री में जो आया है, इसमें ऑलरेडी अगर जनाब स्पीकर आप देख लें एग्जिस्टिंग जो इसकी कंपोजिशन है मीफा की, मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी की, तो उसमें जो हमने प्रपोज अमेंडमेंट्स किए वो यही थी कैबिनेट ने और जनाब वज़ीर आला साहब ने कि इसमें पहले सेक्रेटरी थे कंसर्न डिपार्टमेंट के, इसको इस कमेटी को हेड करता था मिनिस्टर फॉर मिनरल डेवलपमेंट और इसमें बाकी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मिनरल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड ह्यूमन राइट। तो जो सेक्रेटरीज थे 3, 4, 5 पे, उसके साथ साथ उस कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज को इंक्लूड किया गया है, प्रपोज किया गया है, जो कि प्रपोज अमेंडमेंट था ऑलरेडी। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर इंचार्ज जो होते हैं वो कैबिनेट मेंबर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी होते हैं और वो असेंबली के मेंबर भी होते हैं। तो इस वास्ते जनाब स्पीकर ऑलरेडी ये कंपोजिशन को स्ट्रेंथन करने और इस अथॉरिटी को ब्रॉड बेस्ड करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं और मेरे ख्याल में इसमें अगर हम मज़ीद लोग ऐड करते हैं तो इसको थोड़ा सा वो इस डिसीजन मेकिंग को लिंगर ऑन करने के मुतरादिफ होगा। तो मेरी तो यही सजेशन है कि अब तक के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो मिनरल की एसोसिएशन की इन्होंने बात की है, तो चूंकि एसोसिएशन में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं है, उनमें भी ग्रुपिंग्स हैं और हम चाहेंगे कि उनका भी एक मेंबर हो, ये अच्छा सजेशन है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का तो मेरे ख्याल में मुझे कोई अहमियत यहाँ पे नहीं लगती चूँकि, लेकिन इसके साथ साथ जो बस जनाब, तो जनाब स्पीकर मेरी यही गुजारिश होगी कि अब तक के लिए जो प्रपोज अमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेंथनिंग कर लो, ये सिचुएशन रजिस्टर्ड है। आफ्ताब साहब की बात बहुत बेहतर है, लेकिन देखिए सारी इनके मतलब नुमाइंदे इसमें आ गए। हम चाहे 2017 में जब ये पहली दफ़ा बना था उस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कोई इनके फैसलों में कोई मुदाखलत नहीं थी, लेकिन उनका इनपुट आता था और वही इनपुट है जिसकी बदौलत आज हम 7 अरब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं माइंस और मिनरल्स। ये बड़ा हमारा अहम मौजू है खैबर पख्तूनख्वा का और ये रजिस्टर्ड बॉडी है बाकायदा, अनरजिस्टर्ड बॉडी तो कभी नुमाइंदा। अच्छा, हम लंबी चौड़ी लिस्ट में नहीं डाल रहे, हालांकि उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी होता था, जियोलॉजिस्ट भी होते थे, चैम्बर के लोग भी होते थे, सारे वो हमने नहीं डाले ताकि हम समझ रहे हैं शायद इनको इन वाली बात है, ये चाहे लंबा हो जाएगा। तो हमने मुख्तसरन कहा लीडर ऑफ अपोजिशन का एक इनपुट आ जाएगा और चैम्बर के जो ये जो प्रेजिडेंट हैं माइंस के एसोसिएशन के, देखिए असल चीज़ ये माइंस ओनर एसोसिएशन के लोग हैं जनाब स्पीकर, इनका इनपुट जो है ये बहुत अहम है और ये इनके लिए फायदा मंद होगा और ये इस बात को तस्लीम भी करते हैं। मेरे ख्याल में इस कंफ्यूजन में ना जाए, जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसका हम कह रहे हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रजिस्टर्ड बॉडी का होता है, ऐसे नहीं है कोई घर से आएगा, ये बाकायदा रजिस्टर्ड है, जो भी रजिस्टर्ड है जिस जगह का है उसको आप नॉमिनेट कर लें और रखवा लें। जी ऑनरेबल मिनिस्टर, और पहले होता रहा है, ये पहले कोई नई बात नहीं है स्पीकर। अभी तो इस पे अगर मेरी तो यही सजेशन है कि चूंकि लेकिन जनाब स्पीकर लास्ट टाइम भी हमें जो सेकंड अमेंडमेंट यहाँ पे प्लेस की थी हाउस में, तो उसमें भी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेकर तो वो डिसाइड किया गया था, वो रेट्स कम किए गए थे। तो इस तरह नहीं है कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ये फैसले कर लेती है, एसोसिएशन को ज़रूर एतमाद में लिया जाता है, लेकिन अब तक के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। जी बस आप सपोर्ट नहीं करते इस अमेंडमेंट को ना, तो इसे फिर हाउस को सपोर्ट कर दूं।
ऑर्डर इन द हाउस। माजज वजीर साहिबान और एमपीए साहिबान, आप तशरीफ रखें कहीं पे। अच्छा, मैं इससे पहले देखें, इस पे बात हो गई, काफ़ी बात हो गई, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप आधा घंटे और बात करें कि मैंने फिर भी वोट के लिए ही डालना है, जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम सपोर्ट नहीं करते, इसे मैं वोट पे डालता हूँ। द मोशन बिफोर द हाउस इज दैट द अमेंडमेंट मूव बाय द ऑनरेबल मेंबर मे बी ड्रॉप्ड एंड मे बी अडॉप्टेड। दोबारा सुन लें। द मोशन बिफोर द हाउस इज दैट द अमेंडमेंट मूव बाय द ऑनरेबल मेंबर मे बी अडॉप्टेड। दोज हू आर इन फेवर ऑफ इट में से यस, दोज हू आर अगेंस्ट इट में से नो। The amendment is dropped. Now the question before the house is that the original clause 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The original clause 2 stands part of the bill. आवाज इस मर्द बड़ी जबरदस्त निकाली है। क्लास 3-4 ऑफ द बिल, सिंस नो अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनी ऑनरेबल मेंबर इन क्लास 3-4 ऑफ द बिल, देयरफॉर क्वेश्चन बिफोर द हाउस इज दैट द क्लास 3-4 मे स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल। दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट मे से यस, दोज हु आर अगेंस्ट इट मे से नो। आईज हैव इट, क्लास 3-4 स्टैंड्स पार्ट ऑफ द बिल। फर्स्ट अमेंडमेंट इन क्लास 5 of the bill, Ms. Sobia Shahid and Mr. Ahmed Kundi MPS to please move their first amendment in class 5 of the bill. Ms. Sobia Shahid MPA, please. Thank you, Honorable Speaker sir. I move that in the class 5 and the subsection 2 of the section 23 after the word Security and Exchange Commission of Pakistan, the word our register of firm may be inserted. Honorable Speaker sir, इस अमेंडमेंट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके जो जितने भी पैसे ये टैक्स वगैरह होते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट को जाएंगे। हम चाहते हैं इसमें पहले भी ये रजिस्टर ऑफ फर्म ये केपीके का है, इसमें जितनी भी इसकी टैक्स और पैसे होते हैं केपीके के लिए आएंगे। इस एक्ट में मिनिस्टर गवर्नमेंट ने इस सूबे को रजिस्टर फर्म को हटा दिया है और डायरेक्ट जो भी इसका मुनाफा होगा, जो भी इसके पैसे आएंगे वो सीधा जाएंगे फेडरल को। तो इस अगर हम मिनरल माइनिंग के ये करते हैं और ये एक्ट अगर हम इसके लिए करते हैं कि इस सूबे को कोई मुनाफा ना हो, इसको कोई रेवेन्यू ना जनरेट ना हो, तो इस एक्ट का मकसद क्या है? इसके लिए भी आप लोग इसमें आएंगे कि ये हो? तो ये तो हम तो अपने लिए नहीं करते कि ये पोजीशन है, ये है, हम तो इस सूबे के लिए बोल रहे हैं। हम तो इस मिनरल एक ही हमारे सूबे का ये असासा है कि इससे हम कुछ निकालें और सूबे के लिए कुछ बचत हो, उसके कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन ये अगर ये इस तरह एक्ट आए कि ये सारा फेडरल को उस को जाए सिक्योरिटी और हमारे सूबे को कुछ ना आए, तो ये किस लिए? Honorable Mr. Ahmed Kundi, MPA, please. Thank you, Speaker Sir. I beg to move that in Clause 5 in Subsection 2 of Section 23, after the word Security and Exchange Commission of Pakistan, the word or Registrar of Firm may be inserted. वही repetition होगी जनाब Speaker, मेरी भी यही गुजारिश है। Security Exchange Commission of Pakistan जो है ये federal इदारा है, ये अपने Registrar of Firm जो है यहाँ पे अपने खैबर पख्तूनख्वा में उसको महरूम करके अपने हाथ काट के उनके हाथ में देना चाहते हैं। तो हमारी तो गुजारिश यही है, हम बड़े मुश्किलों से ये डेवोल्यूशन करके लाए हैं और ये चीज़ें मरकज से सूबे तक की तरफ जो सफ़र था ये बड़ा एक तल्ख और बड़ा एक कठिन सफ़र था। तो मेहरबानी करके अब इनकी हुकूमत में ये दोबारा चीज़ें इस्लामाबाद की तरफ भेजना चाहते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। हमारी तो यही गुजारिश होगी जो इसको आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में उसी तक रखें, इससे आपको रेवेन्यू आएगा। अभी भी 6 करोड़ रुपये इनको मिल रहे हैं जितनी रजिस्टर्ड है।
अगर ये आप SECP से रजिस्टर करवाएंगे तो ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा जो कि आगे फर्दर डिविजिबल पूल में जाएगा. थैंक यू. ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ, शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, इसमें इस तरह है, माइनिंग सेक्टर जो है, थोड़ी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि वो डिवॉल्व महकमा है सूबे को विफाक से, तो इसकी जितनी भी रिवेन्यू जनरेशन है वो सूबे को जाती है ना कि विफाक को. जनाब स्पीकर, इसमें इस तरह है कि इंडिविजुअल या जो फर्म्स इसके अलावा रजिस्टर्ड थे SECP के, तो अक्सर औकात इस तरह के फर्म्स होते हैं जनाब स्पीकर जिनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो लीज करके वो बैठ जाते हैं. अभी भी अगर आप देख लें तो लगभग 3900-4000 लीजेज हैं, लेकिन ऑपरेशनल सिर्फ और सिर्फ 600 लीजेज हैं इस टाइम सर पूरे सूबे में. तो जनाब स्पीकर, इसको एक चैनलाइज करने के लिए और इसके साथ साथ विफाक भी हमारा है जनाब स्पीकर, मरकज भी हमारा है, और इसकी रिवेन्यू जनरेशन जो है वो टोटली सूबे को जाएगी, लेकिन वो फंड्स जो कि SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर हो, वो इसलिए कि उनकी रेवेन्यू वगैरह की असेसमेंट भी में भी आसानी होती है. इसके अलावा जो यहाँ पे रजिस्टर होते हैं उनकी जिस सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड होती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म होती हैं, इसके अलावा उनकी जितनी भी रिवेन्यूज वगैरह आती हैं तो उनका कोई इस तरह का मेकनिज़म नहीं है कि उसकी असेसमेंट की जाए, उनकी टोटल रिवेन्यू की असेसमेंट की जाए. अभी तो जनाब स्पीकर यहाँ पे गवर्नमेंट को लोग 1% भी देने के लिए तैयार नहीं है, 99% बल्कि 99.9% जेबों में जा रही हैं, और 0.1% अगर गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू की मद में देते हैं तो उनको उससे भी तकलीफ होती है. तो जनाब स्पीकर, ये सिर्फ ये सिस्टम को चैनलाइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, और मेरे ख्याल में ये तो रीज़नेबल है. सिर्फ फर्म की रजिस्ट्रेशन के हद तक अगर विफाक को रिवेन्यू जाती है तो ये तो इतनी रिवेन्यू नहीं होगी, बाकी माइनिंग सेक्टर की जितनी भी रिवेन्यू है वो टोटली सूबे को जाएगी. तो ये सिर्फ करेक्शन के लिए इस हाउस के लिए जनाब स्पीकर. खुद भी सुना सर, कोई तसल्ली बख्श बात इन्होंने हमें नहीं बताई. मतलब कहने का मकसद है जो ये क्यों SECP को, इनके क्या पीछे मकासद क्या हैं SECP को. मतलब एक चीज़ हमें पैसे मिल रहे हैं रजिस्ट्रार फर्म से, क्या मजबूरी है, सिर्फ हमें ये वाजे कर दें और हमें अपनी कैटेगोरिकली बता दें जो भाई SECP में हमें ये मजबूरी है जिसकी वजह से हम जाना चाहते हैं. और अगर हम बयान करेंगे फिर आप कहेंगे अपोजिशन वाले जो है ना बला जवाब तनकीद करते. मैं नहीं करना चाहता. मैं कहता हूँ आपके क्या मकासद हैं SECP में जाने के. मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पार्टनरशिप डीड्स हैं, सब कुछ है आपका, जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो सकता है इजिली. हम तो यही अब रोना पीट रहे हैं ना. फिर आप कहते हैं मरकज पे इतने पैसे हैं, CCI में भी आप नहीं जाते जो फोरम है एग्जैक्टली 90 दिन का उसका टाइम है, ऊपर से फिर आप गिले करते हैं मरकज. अब ये खुद आप जा रहे हैं मरकज के पास. हमें शौक नहीं, अगर आप कहते हैं जो विड्रा कर ले हम आपकी इस पे वो कर, लेकिन मैं ये कहता हूं आप कम से कम इस हाउस को वजाहत कर दें जो वो क्या मजबूरियां हैं जिसके तहत आप SECP के पास जाना चाहते हैं और आपके सूबे में नहीं हो सकता. मेरे ख्याल में आपकी रिक्वायरमेंट को मुकम्मल तौर पे इस माइंस और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है यहाँ पे फुलफिल करता है. जनाब डॉक्टर अमजद साहब. जनाब स्पीकर, इसको इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ, इसके बाद डॉक्टर साहब को एक्सप्लेन कर देंगे. इस तरह जनाब स्पीकर, सिर्फ माइनर मिनरल जो हैं वो इसके बाद इंडिविजुअल लीज कर सकते हैं. इसके अलावा जितनी भी मिनरल्स हैं वो लीज सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को दिया जाएगा. उसका मकसद ये है कि कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो एक्सप्लोर भी करेंगे, वो खुद भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे और सूबी को भी खातिर खा रेवेन्यू इसमें से इजाफा होगा. तो जनाब स्पीकर, SECP के साथ रजिस्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि जो रियल सेंस में जिन
कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट होगी जो सीरियस होगी इन्वेस्टमेंट में, तो सिर्फ वही लीज कर सकेगी इसके बाद जनाब स्पीकर। वो भी आगे आ रहा है आपके प्रपोज अमेंडमेंट में, यही भी है जी। जनाब डॉक्टर रमजी साहब। हाँ, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने बताया और जिस तरह कुंडी साहब अमेंडमेंट लेके आई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एसीसीबी के पास इसलिए जा रही है कि एक ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो रिवेन्यू है वो टोटली सूबे के पास रहेगा, माइन डिपार्टमेंट के साथ रहेगा, उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की पैसे जाएंगी। और उसमें हर्डल्स ये है, जब मैं माइन मिनिस्टर था तो हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी वो बगैर एसीसीपी की रजिस्ट्रेशन के थ्रू बगैर नहीं आ सकती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट ये लेके आई है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें, उनको भी अट्रैक्ट करें, और इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में और ऐसे लोग हैं जो यहाँ केपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि वो भी यहाँ पे आए आसानी से और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में इसकी रजिस्ट्रेशन हो उनकी। अच्छा, एक इसमें जो माइन ओनर्स है उनकी भी शिकायत है कि हमारी कोई 4-5 हज़ार हमने जगह एक्सप्लोर की है और हमें काम नहीं मिलेगा या वो जगह। तो मेरे ख्याल में जो इस अमेंडमेंट की हद तक है, जिन लोगों ने जिनको ग्रांट हुई है ऑलरेडी लीजिस और जिन्होंने एक्सप्लोर किए, उस पर कोई असर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इस हद तक है कि पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान का कोई भी शहरी आइंदा के लिए, तो एसीसीपी के साथ रजिस्टर हो ताकि उनको आसानी हो। या जो फॉरेन इन्वेस्टर, अब हमारे पास माइन एंड मिनरल में आप सबको पता है कि हमारे पास ये जो अबासीन है इसमें हमारे पास गोल्ड है, तो वो चूंकि पाकिस्तान में किसी के पास इतना सरमाया नहीं है, वो हम चाहते थे कि वो फॉरेन इन्वेस्टर आए और उसमें इन्वेस्ट करे और वहाँ पे लीज या उसमें एक्शन में हिस्सा ले, तो ये हम वो हिस्सा नहीं ले सकती थी। तो मेरे ख्याल में जो ये अमेंडमेंट है इसमें मेरे ख्याल में अगर इसी तरह रहने दिया जाए तो हमारी जो माइन डिपार्टमेंट की रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी और जो पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकेंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, इसका मकसद यही है। थैंक यू जी। जनाब अहमद कुंडी साहब। सर, ये हमारे फराइज में शामिल है जो हम अपनी बात की मुकम्मल वजाहत अपने तमाम फाजिल मेंबरान को करें, जो हमारा मौकफ है क्या ये, और इनका भी ये फर्ज है। तो मैं सिर्फ इसको वाइंड अप करने से पहले सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आप खैबर पख्तूनख्वा माइंस और तमाम फाजिल मेंबरान जो बैठे हैं, अगर ये जो अमजद साहब ने बात की है मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, ताकि आप सिर्फ ये पढ़ लें माइंस एंड मिनरल्स का जो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 का क्लॉज 5 क्या कहता है। सिर्फ अगर आप ये देख लें तमाम फाजिल मेंबरान, इन्होंने कहा है जो कंपनी इस बात से रजिस्टर होगी फॉरन कंपनीज के लिए हम कर रहे हैं बाकियों के लिए नहीं, इसकी लैंग्वेज अगर आप देख लें क्लॉज 2 में, फिफ्थ क्लॉज की 2 में, मिनरल्स टाइटल्स शैल ओनली बी ग्रांटेड टू कंपनीज, लव्स ये मिनरल्स टाइटल्स शैल ओनली बी ग्रांटेड टू कंपनीज रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2024। मकसद इसका यह हुआ ये सिर्फ एससीसीपी से जो रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी उसको यह दिया जाएगा, ये कोई फॉरेन कंपनी की बात नहीं है। या तो ये कह देते कि भाई यार वहां से भी जो रजिस्टर्ड हो और यहां से भी जो रजिस्टर्ड हो, लेकिन इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है मिनरल टाइटल्स शैल ओनली बी ग्रांटेड, सिर्फ ये एसईसीपी के रजिस्टर्ड कंपनीज को देंगे। कहने का मकसद ये है, ये आप लोकल लोगों का दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ वजाहत अपने मौकफ की दे रहे हैं, बाकी इनकी अपनी मर्जी है। ये लोकल लोग जो इंडिविजुअल के नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फार्म्स के साथ, क्योंकि सर 7 अरब रुपए आज आप कैलकुलेशन निकाल लें मेरे पास है, इनसे पूछे कंपनी कितना दे रही है और इंडिविजुअल्स कितना दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स ने मेहनत की है रजिस्ट्रार ऑफ फार्म्स के साथ रजिस्ट्रेशन की है, लाखों रुपए लगाए हैं और 7 अरब तक हमारा रेवेन्यू आया है, कोई ऐसी सीपी की रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है इसमें। अब जब एक दुकान चमक गई है तो ये सिर्फ दरवाजा सिर्फ एससीसीपी की कंपनियों को लगा, और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, ये कल को चैलेंज भी होगा। ये सिर्फ बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ मिनरल टाइटल शैल ओनली बी ग्रांटेड टू कंपनीज,
जी अहमद गुंडी साहब। सर मेरी फिर गुजारिश वही है, देखिए ये जल्दी जल्दी में दूसरा तीसरी अमेंडमेंट आ गई है, देखिए हफ्ता 10 दिन पहले एक लाए थे, अभी फिर लाए हैं, ये इसी तरह करते रहेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम आप पहले भी आपने इनको गुजारिश यही की थी, जब भी आप कोई चीज लाएं तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दे ताकि वहां पे डेलिब्रेशन हो, डायलेक्ट्स हो, वहां पे डिस्कशन हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, लेकिन फिर भी इस कम महदूद वक्त में मैं अपने फाजिल मेम्बरान को ये कहना चाहता हूँ, ये जो कानून साजी होने जा रही है दैट इज इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओपन कंपटीशन का दरवाजा बंद करना चाहते हैं कुछ अपने मनपसंद लोगों की कंपनीज को, जिस तरह ये लिखा हुआ है मिनरल टाइटल शैल ओनली बी ग्रांटेड टू कंपनीज रजिस्टर्ड विद एससीसीपी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोई यार मुगलिया बादशाह का दौर नहीं है जो आप एससीसीपी की कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी को ही ये काम देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों ऐसे गलत काम करते हैं और फिर इधर आप लाते हैं? मतलब ये दरवाजे ओपन रखें, आपकी नेकनामी होगी, आप लोग इंसाफ के नाम पे वोट लेकर आए हैं, बड़े मुश्किलों से लोगों ने आपको बहुत बड़ा हैवी मैंडेट दिया है, ऐसी चीजें करें जिससे आपकी नेकनामी बढ़े, इस हाउस की नेकनामी बढ़े, इसका कद बढ़े, इस पार्लियामान का। हम आपको वजाहत करते रहेंगे, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, बाकी आपके पास अक्सरियत है और हम तो फाजिल मेम्बरान को ये कहते हैं जो आप इस डिस्कशन में अपना इनपुट जरूर दीजिए, ये तमाम आपके हलकों पर इम्पैक्ट डालेगा। अगर हमारी बात गलत है बिल्कुल आप नो करें, अगर हमारी बात ठीक है तो फिर उस पर आप यस करें। मेरे ख्याल में ये चैलेंज होगा, ये आज मार्क माई वर्ड स्पीकर साहब, ये चैलेंज होगा कोर्ट में। और इसी बात पे ये देख लो जिस पे ये लोग ये जो ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं ना, ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। खुदारा ऐसी कानून साजी मत करें, हम आपको हमेशा अपने मुखलसाना मशवरे देंगे, हमने अपनी बात की वजाहत कर दी है, बाकी आपकी अपना वो है जो इस पर जिस तरीके से आप आगे चलना चाहते हैं। शुक्रिया जी। ऑनरेबल मिनिस्टर जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? महबूब शेर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। संगत छिदा कुंडी से खबर हो कल जी زمنگا رقم مد امینڈمنٹ بل دے دا دا ماربل پ دا ٹول مینرل متعلق منگا جی دے دی خلاف یو دا زمنگا لوکل خلق دے زمنگا لوکل خلق چکم دے غرو نے دی دا ہوئی ماربل دی دا ہوئی نپرائیڈ دی دا ہوئی کرومائیڈ دی کچرے دا سالا بلونا راوڑل شی او دا سالا زمنگا خلق تا پکی نقصان رسی نہ منگا دی ٹوٹلی خلاف یو جی زکہ زمنگا خلق پ دا کی کار کی دا روزگار دے یو طرف تا دہشت گردی دا یو طرف ته چې کوم دی دغه سال بلونه راشي زمنګ خل بس کې دغه غرونو کې وسیږي دغه غرونو نه بم را کوشي میدانونو ته جی جی منګه ټول دې خلاف یو دا بل خل چې کوم درا وړي دي د دې منګه سخت خل مخالفت کو او منګه چې ټو څومره پاتہ دون تل په پاتہ کې څومره کسان دي دا به دې ټول مخالفت کې ان شاء الله دا به ما سټو په دې سټیج باندې ودریږي دا خو چې منګه د تبي طرف ته روان دي دا بل ऑनरेबल मिनिस्टर इधर आ जाएं, आप आ जाएं इधर आ जाएं। अच्छा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मुझे आप अपना कंसेंट दें, मैं इसे वोट पे डाल दूंगा। Thank you.
मुझे निकाल के दें जरा, जब मैं पढ़ लूँ, खुद पढ़ लूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इस तरह करते हैं कि आप अगले ये सिटिंग से पहले पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुला लें, इसको उसमें डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसलिए ले इसको हम यहाँ से आगे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम डेफर करते हैं, बस होगी इस पे, ये इस पे नवाब साहब इस पे बात हो गई कि आप पार्लियामानी पार्टी का अनवर जैब खान का माइक ऑन करें भाई। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपना बात पुश्तो में करना चाहता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक कबायली बेल्ट से है। जितने भी कबायली मेंबरान हैं, हम सब इन बिल के खिलाफ हैं, बिल्कुल हम इनके साथ नहीं देते हैं। हमने 2019 में, और मेरा ये भी क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि हमने 2019 में, अच्छा सुन लें, 2 मिनट आप ये बातें अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कर लेना। नहीं, ये लेवरेज का देखें एक बस मैंने डेफर कर दिया इसको, आप कल अच्छा इस तरह अनवर जैब खान आप गुजारिश सुन लें, आप तशरीफ रखें, आप सबसे ज़बरदस्त और काबिल एहतराम वो हमारे माजज़ रुकन भी हैं, हमारे वज़ीर भी रह चुके हैं, आप तशरीफ़ रखें, मैं आपकी बात करता हूँ। गुजारिश इस तरह है कि जो मेंबर अमेंडमेंट पेश करते हैं ना जी, देखिए हम तो एक रवायात के तहत इस हाउस को चला रहे हैं कि जिसने कोई बात करनी होती है मैं कहता हूँ जी चलें आप बात कर लें। कवायद और ज़वाबत इस पर कुछ और कहते हैं, कवायद और ज़वाबत ये कहते हैं जिस मेंबर साहब ने इस पर अमेंडमेंट पेश की है वही इस पे बात करेगा। चूंकि आपकी तरफ से किसी की तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं आई और फिर हमने वजीर मोहतरम के कंसेंट से हमने इसको डेफर कर दिया,
कि अगली सेटिंग में अभी टाइम है, तो अगली सेटिंग से पहले आप इसको आपस में डिस्कस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, जो सूरत हाल निकलेगी फिर अगली सेटिंग में हम इसको पेश कर देंगे। तो इस मेरा ख्याल है इस पर मजीद